वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन थ्योरी के 11वें वीडियो में हैं। ऐसे ये इंटीग्रेशन का 14वां वीडियो है, कुछ डाउट से रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाए हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं टीई, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब त्रिकोणमिति वाले व्यंजक, साइन कॉस टैन वाले व्यंजक। साइन कॉस टैन वाले व्यंजक क्या हो सकते हैं? खुद साइन कॉस टैन हो सकता है, कोसेक तक कोई भी हो सकता है, साइन स्क्वायर एक्स हो सकता है, कोस स्क्वायर एक्स हो या टैन स्क्वायर हो, कॉट स्क्वायर हो, या हो सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन हो, या हो सकता है टू कोस एक्स प्लस वन हो, या हो सकता है टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो, इस तरह की चीज़ें, मतलब साइन कॉस टैन से रिलेटेड कुछ भी है। आज हम लोग का बेसिक मुद्दा है, दो बेसिक मुद्दा है नोट में। पहला बेसिक मुद्दा है कि अगर कभी टीई गुना टीई मिले, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन गुना ट्रिग्नोमेट्रिक, दो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन गुणा में मिले, जैसे यही दोनों गुणा में मिले या साइन और ये वाला गुणा में मिले, तो क्या करना चाहिए? तो सिंपल, गुणा मिले तो गुणा कर दीजिए, गुणा कर एक व्यंजक बना दीजिए, गुणा करके एक व्यंजक बना दीजिए। ये एक बात हुई। और दूसरी बात, सवाल में कहीं भी अगर साइन स्क्वायर एक्स मिले तो वहाँ आप लिखिए वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, साइन स्क्वायर एक्स इस तरफ क्या हुआ, स्क्वायर हट गया। स्क्वायर हटाना हमारी क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इंटीग्रेशन में कहीं भी मैंने साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं बताया, मैंने साइन का बताया है, कॉस का बताया है। तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा तो वन माइनस कॉस टू एक्स, यहाँ एक्स जो है वो कॉस में गुणा नहीं है, मतलब एंगल में गुणा है, एंगल दुगुना हो जा रहा है, इस बात को ध्यान देंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला बना कहाँ से? तो वो कॉस टू एक्स वाला आपका फॉर्मूला है ना, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, इसी को हेर फेर करने से बना है। इसी में ये वाला, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इसी में टू साइन स्क्वायर एक्स इधर ला दिया गया है, कॉस टू एक्स उधर लेकर चले गए हैं हम लोग, तो टू साइन स्क्वायर बराबर वन माइनस कॉस टू एक्स, और ये जो टू गुणा में है वो उधर चला गया है, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस कॉस टू एक्स, कोण का दुगुना, ध्यान दीजिएगा। साइन स्क्वायर एक्स है तब ना टू एक्स, अगर ये साइन स्क्वायर टू एक्स रहता तो वहाँ कॉस फोर एक्स लिखते, अगर यहाँ साइन स्क्वायर थ्री एक्स रहता तो वहाँ कॉस सिक्स एक्स लिखते हैं। और यहीं पर दूसरा फॉर्मूला एकदम एक ही जैसा है, इसी जैसा है। साइन स्क्वायर में वन माइनस कॉस होता है, यहाँ होता है वन प्लस कॉस टू एक्स। यहाँ बड़ा सिंपल है, जिसको साइन स्क्वायर वाला याद हो जाता है उसको कॉस स्क्वायर वाला भी याद हो जाता है, तो साइन स्क्वायर वाला ही याद कीजिए ना। सोचिए कि साइन स्क्वायर में माइनस है, कॉस स्क्वायर में प्लस है, तो आज इन्हीं दो बातों पर चर्चा होगी। और देखिए, इन्हीं दोनों पर आधारित यहाँ आठ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। जरा कैमरा को इधर लाइए, पूरा क्वेश्चन दिखाइए, और आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब शुरुआत वाला कुछ क्वेश्चन देखिए, सेक गुना सेक प्लस टेन, ये दो त्रिकोणमितीय व्यंजकों का गुणा है, तो गुणा कर देंगे। यहाँ भी दो त्रिकोणमितीय व्यंजक का गुणा है, यहाँ भी दो त्रिकोणमितीय व्यंजक का गुणा है, यहाँ भी दो त्रिकोणमितीय व्यंजक का गुणा है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर है, यहाँ कोस स्क्वायर है, और यहाँ साइन स्क्वायर है, और यहाँ टेन बटा कोट है। थोड़ा हेर फेर मैंने किया है, ये पहले पे आधारित है, थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए मैंने आपको दिया है, देखता हूँ मैं आप लोग से बनता है कि नहीं, थोड़ा सा अपने से ट्राई कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरा क्वेश्चन मैंने दिया और आप सब मुझसे पूरा का पूरा देखें, ऐसा हो सकता है। जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो तो केवल क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर आप बनाइए, लेकिन मेरी सलाह होगी कि पहले सारा थ्योरम सारी चीज़ें एक बार देख लीजिए और उसके बाद सवाल बनाइए बिना देखें, है ना। कैमरा को इधर लाइएगा। आइए शुरुआत करते हैं पहला सवाल से, हम बताएंगे, है ना। पहला सवाल है आपका सेक एक्स आ गुना सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये है क्वेश्चन होगा।
तो यहाँ मैंने बताया कि जब दो त्रिकोणमितीय व्यंजक गुणा हो तो गुणा करके एगो व्यंजक बना देते हैं, है ना, मल्टीप्लाई इट एंड मेक ए मेक वन एक्सप्रेशन, मेक इट एज वन एक्सप्रेशन। तो पहले आप गुणा करोगे तो सेक का सेक के साथ, सेक स्क्वायर एक्स, और फिर सेक का टेन के साथ, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ध्यान दीजिएगा, जहाँ कन्फ्यूजन होगा पूछिएगा आप लोग, है ना, सिर्फ वीडियो बनाना ही मेरा टारगेट नहीं है, आप लोग आए हैं तो आप लोग को ही बताना मेरा टारगेट है, आप लोग पूछिएगा बताएंगे जहाँ पूछिएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है टेन एक्स, ये थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। क्यों? क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल होता है सेक एक्स, प्लस सी तो सब जगह रहेगा। क्यों? क्योंकि सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इंटू टेन। अब आप यहाँ पाएंगे, है ना, थोड़ा सा हमें ही कैमरा नहीं घुमाना है, यहाँ तक तो कैमरा रहता ही है, आता ही है, है ना, जब उधर चले जाएंगे या जब इधर चले जाएंगे तब कैमरा, है ना। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, प्लस सी एक रहेगा। एक्चुअली प्लस सी सबके लिए होता है, इसके लिए भी होता है, उसके लिए भी होता है, तो सी रियल नंबर है, यहाँ सी क्या है, कोई रियल नंबर है। जब तो ये सोचेंगे कि इसमें एक सी आएगा, इसमें एक सी आएगा, दोनों सी दो रियल नंबर की तरह मिल करके एक रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इधर मैं भी दिख रहा हूँ ना, ठीक है, मेरा भी दिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत लोग कंप्लेन किए हैं, फ़ोन करके कहें, इसलिए ज़रूरी है। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने बताया, है ना, यहीं पर आइए दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फिर मैं मिटा रहा हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगी दोबारा से मैं इन सब चीज़ों को बगल में लिखता चलूँगा। अब थियोरी में बता चुका हूँ, अब क्वेश्चन हमको बताना है यहाँ पर समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर दो वैसा ही है, देखिए ये कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ होगा, तो दो त्रिकोणमितीय व्यंजक है, दोनों गुणा कर देंगे, कॉसेक गुना कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक गुना कॉट, कॉसेक एक्स गुना कॉट एक्स। देखिए ये सब मैं बोल रहा हूँ कि जब दो त्रिकोणमितीय व्यंजक गुणा में हो तो गुणा कर देंगे, ये सलाह है, ये नियम नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि गुणा करने के बाद और जटिल हो जाए, लेकिन शुरुआत आपको ऐसे ही करना है, पहले इसी तरह से सोचना है, फिर जो इस तरह से नहीं बने वहाँ पर दूसरा तरीका अप्लाई करना है। सो पहले तो ऐसा करना ही है, जानना ही है। अब आप जानते हैं और नहीं जो जानते हैं वो ध्यान दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉट एक्स, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कोसेक एक्स। ध्यान दे रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूला है आपका, तो यही दो चीज़ तो है, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कोटेक एक्स, माइनस कॉट एक्स, और कोसेक गुना कॉट का इंटीग्रल माइनस कोसेक एक्स प्लस सी आंसर। और तीसरा क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस वन इंटू कॉस एक्स, साइन टू एक्स का एक फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, तो अगर कभी टू साइन कॉस मिले तो साइन टू एक्स में लिख सकते हैं, तो यह रूप इंटीग्रेटेबल नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इस तरह से करने पर इंटीग्रेटेबल हो जाएगा। अच्छा, कोई पूछे कि इंटीग्रेशन का कौन सा मेथड है, तो यह इंटीग्रेशन का ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। इंटीग्रेशन की कई विधियाँ होती है, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना, मेथड बाय पार्ट्स, तो कई विधियों में इस विधि को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहते हैं। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन? एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन, तो यहाँ जो था गुणा करके रूप ही न परिवर्तित कर रहे हैं,
ऐसे तो हर विधि में यही करेंगे कि जब इंटीग्रेशन नहीं होगा तो रूप परिवर्तन करेंगे, लेकिन अलग जगह पर रूप परिवर्तन की अलग विधियाँ होंगी। सब्स्टिट्यूशन विधि में एक बड़े व्यंजक के बदले एक छोटा व्यंजक हम लोग मानकर चलते हैं। मेथड बाय पार्ट्स में हम लोग यू इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करके चलते हैं, वो डिफ्रेंसिएशन का यू इंटू वी का जो फॉर्मूला है ना उसका उल्टा। तो इसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि हम लोग जो दिया हुआ है उसका ज्ञात विधियों से रूप बदलते हैं। जैसे यही देखिए ना, ये छोटा कोष्टक है और ये कॉस है, छोटा कोष्टक तोड़ेंगे तो कॉस आके अंदर गुणा होगा, आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स का तो इंटीग्रल मालूम है हम लोग को, साइन एक्स वो छोड़ देंगे, लेकिन साइन एक्स गुना कॉस एक्स, तो साइन एक्स गुना कॉस एक्स में अगर टू रहेगा तो फॉर्मूला होगा साइन टू एक्स। तो वही करेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। मैंने ऊपर वाली चीज को हूबहू उतारा, अब यहाँ हम दो से गुणा भाग कर दे रहे हैं। ऐसा करने का कारण ये है कि ऐसा होने के बाद हमको ये फॉर्मूला आएगा, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे साइन टू एक्स, तो वन बाई टू साइन टू एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, जब संख्या गुना फलन हो तो संख्या जस का तस लिखते हैं आप फलन का इंटीग्रेशन। हाँ, संख्या अगर अकेले रहता, खाली वन बाई टू रहता तो संख्या का इंटीग्रेशन संख्या गुना एक्स होता है, मगर संख्या गुना फलन हो तो संख्या जस का तस अब फलन का इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टू एक्स, और हाँ एक्स का जो गुणांक होता है, यहाँ एक्स का गुणांक दो है तो दो से भाग देंगे, याद है ना आप लोग को। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, तो ये प्लस है और वो माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस माइनस, एक बटा में ये दो गुना दो चार हो गया आपका, और ये कॉस टू एक्स हुआ और ये साइन एक्स है ना। एक बार गौर कर लीजिएगा, वीडियो यहाँ तक दिख रहा है ना, थैंक यू। तो ये क्वेश्चन नंबर तीन हुआ हम लोगों से, आइए क्वेश्चन नंबर चार, ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर चार। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इस तरह से बताऊं कि आपको पूछने की ज़रूरत कम से कम महसूस हो, है ना। बहुत छोटे लेवल पे, एकदम माइनर लेवल पर मैं ले जाकर एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में जाकर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वीडियो के ही माध्यम से सारी चीज़ें आपको बतानी है, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं हैं। फिर से देखिए, यहाँ भी टी गुना टी, एगो व्यंजक गुना दूसरा व्यंजक, तो साइन का गुणा हुआ साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आपको बताया गया है कि जहाँ कहीं भी साइन स्क्वायर मिले वहाँ फॉर्मूला है वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। आज ही शुरुआत में नोट में मैंने बताया वन माइनस कॉस टू एक्स। ध्यान दीजिए, यहाँ जो कोण है उसका दुगुना हो जाना है और बीच में माइनस और स्क्वायर हट जाएगा। और आज ही मैंने ये भी बताया है कि साइन टू एक्स बराबर टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक सवाल में आया भी था साइन एक्स गुना कॉस एक्स, इसके ठीक पहले वाले सवाल में, तो वहाँ मैंने साइन एक्स गुना कॉस एक्स के साथ टू लाया था दो से गुणा भाग करके, और फिर मैंने कहा कि टू साइन एक्स गुना कॉस एक्स फॉर्मूला है साइन टू एक्स का, इसलिए इसके बदले इसको लिख करके हम लोग काम करेंगे। तो साइन स्क्वायर का वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, या ऐसा भी तो कर सकते हैं, अच्छा छोड़िए आगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नो डाउट दो से गुणा भाग कर दिए, फिर बटा में टू इसके भी है और इसके भी है तो कॉमन हो गया बाहर में बटा में टू। यहाँ केवल बचा वन माइनस कॉस टू एक्स, और यहाँ टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स वाला फॉर्मूला साइन टू एक्स वन बाई टू, वन का इंटीग्रेशन एक्स, संख्या का इंटीग्रेशन संख्या गुना एक्स, तो वन का वन गुना एक्स एक्स ही होगा, माइनस अपनी जगह पर है। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और एक्स का गुणांक यहाँ दो है तो नियम है कि अगर एक्स की जगह पर एक घातीय व्यंजक हो तो एक्स का जो गुणांक है यहाँ दो है दो से भाग देंगे। साइन टू एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस टू एक्स, और यहाँ एक्स का गुणांक दो है यहाँ भी दो एक्स, तो दो से हम लोग भाग देंगे, और सबके लिए एक ही बार सी आंसर। ये क्वेश्चन नंबर चार हुआ। क्वेश्चन नंबर पाँच, उसमें मेहनत नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है,
साइन स्क्वायर एक्स, अभी अभी तो हम लोगों ने बनाया साइन स्क्वायर के साथ क्या करना चाहिए। साइन स्क्वायर के संग हम लोग 1 cos 2x/2 बस लिख देंगे। कौन सा मेथड इसको कहेंगे हम लोग? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं और पहले ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इंटीग्रेटेबल फॉर्म में। किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है? ये इंटीग्रेटेबल, इंटीग्रेशन होने लायक रूप में ट्रांसफॉर्मेशन है, रूप परिवर्तन है। तो बटा वाला 2 बाहर कर दिए, 1 cos 2x, फिर तो 1/2 अपनी जगह पर है, 1 का इंटीग्रेशन x हुआ और cos 2x का sin 2x हुआ, बटा में 2+c। प्लीज़ कैमरा पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नीचे थोड़ा सा कर दीजिएगा ऐसे। तो 1/2 से गुणा हुआ 1/2x और माइनस 1/2 से इसमें भी गुणा हुआ 1/4 sin 2x प्लस सी, ये हुआ। ये 5 क्वेश्चन हम लोगों का हुआ। इसके बाद और यहाँ 3 क्वेश्चन हम लोगों को देखने हैं जो आपकी किताब से है, लेकिन अगर आप ये सब समझते हैं तो मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप समझने के बाद अपने से सारा कुछ कर लेंगे। 6 नंबर, tan x/cot x, थोड़ा ध्यान दीजिए, tan x और गुना 1/cot x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/cot x होता है tan x। ऐसा करने से पहला तो tan x है ये है, दूसरा भी tan x हो गया, और tan x गुना tan x tan स्क्वायर। फिर मैंने शुरुआत के वीडियोज़ में ही मैंने बताया है कि जहाँ कहीं भी सवाल में tan स्क्वायर आ जाए भाई आप sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दो, और cot स्क्वायर आ जाए तो cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दो। तो यहाँ तो tan स्क्वायर है। ये मैं थोड़ा सा थियरी से अलग बीच बीच में एक डालता जा रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि थोड़ा पीछे वाली चीज़ों पर भी हम लोग रिवीजन का काम कर लें। sec स्क्वायर x माइनस 1, फिर तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x और 1 का इंटीग्रेशन 1 गुना x यानी कि x प्लस सी, ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 के बाद। 7 cos स्क्वायर x है, तो जैसे कि आपको पता है साइन स्क्वायर बराबर 1 cos 2x/2। बार बार मेरा लिखने का टारगेट ये है कि आपको याद हो जाए, और मैंने कहा है साइन स्क्वायर वाला ही याद कीजिए, कोस स्क्वायर वाला याद मत कीजिए। सोचिए कि साइन स्क्वायर में माइनस है और कोस स्क्वायर में सेम चीज प्लस, 1 cos 2x/2। तो यहाँ भी 1 cos 2x/2, फिर बटा के नीचे वाला 2 बाहर निकल गया। अब यहाँ एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, सवाल बनाने का तरीका ये है, एक स्टेप उसके बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, नीचे लिखा जाता है वर्टिकली। ये तरीका नहीं है, अगर एग्ज़ाम में सवाल बनाएंगे तो आप ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, भले पन्ना ज़्यादा ले, जगह ज़्यादा ले, ये तरीका नहीं है। ये तरीका मजबूरी का तरीका है कि हमको इतना ही दूरी में इतना चीज़ दिखाना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का sin 2x, बटा में 2 प्लस सी, फिर 1/2 गुणा होगा, 1/2 गुणा होगा तो 1/2x माइनस 1/4 sin 2x प्लस सी, ये हुआ हम लोग का 7। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अरे ये तो वही आ गया दोबारा, साइन स्क्वायर 2x+5। मैंने आपको बताया है कि किसी भी सवाल में अगर x की जगह एक घातीय व्यंजक हो तो तरीका नहीं बदलेगा, सब सेम प्रोसेस से हम लोग चलेंगे। सेम प्रोसेस मतलब साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर का होता है 1 cos 2x, मतलब कोण दुगुना कर देते हैं बटा में 2, तो 1 cos 2 ये वाला कोण जितना भी है 2x+5 बटा में 2, 1/2 बाहर निकला, 1 और माइनस cos 2 से गुणा हो गया 4x+5 dx।
फिर तो वन बाई टू, वन का इंटीग्रेशन एक्स, कहाँ कहाँ टू से गुणा होगा, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ गलती हो गई है, दो से गुणा होगा तो दो एक्स चार एक्स हो जाएगा, दो से पाँच में गुणा होगा तो यहाँ दस होगा, टेन है ना। तो यहाँ कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन फोर एक्स प्लस दस, और हाँ बिल्कुल, और एक्स के गुणांक से हम लोग भाग देते हैं तो इसमें चार एक्स, एक्स का गुणांक चार है, चार से हम लोग भाग देंगे, बड़ा कोष्टक तोड़ देंगे, तो वन बाई टू एक्स माइनस वन बाई एट साइन फोर एक्स प्लस टेन प्लस सी आंसर हो गया। इस तरह से इस वीडियो का लास्ट था, और आप लोग से एक और बात कहनी है कि जब आप अंतिम तक आ ही गए हैं, सारा समझ ही रहे हैं, तो वीडियो लंबे समय तक पब्लिक नहीं रहेंगे है ना, बस कुछ ही दिनों तक पब्लिक रहेंगे, उसके बाद प्राइवेट हो जाएगा। तो जो भी आपके दोस्त मित्र हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको वीडियो लाइक शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों से भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके, सब लोग इसको देखें। और हाँ, अगर किसी दोस्त को मित्र को वीडियो देखने की सलाह दीजिएगा तो उसको बताइएगा कि बीच से कहीं से देखने पर नहीं समझ में आएगा, शुरुआत से ही देखना होगा, जब वो शुरुआत से वीडियो देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन से तभी समझ में आएगा, सिर्फ इसी चैप्टर क्या, मैथ के किसी चैप्टर में यही बात है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू।